शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तोशी जी, आज तो आपके वो सब्जी वाले ने ना हद ही कर दी। वो छोटी सी पालक की गट्ठी 25 रुपए में दिया उसने, मुझे कम करने का नाम ही नहीं लिया। ये महंगाई ने तो ना दिमाग खराब कर दिया। इसे देखो, रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। और तोशी जी, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तोशी जी, कहाँ ध्यान है आपका? वो क्यों होया? क्या हो गया इनको आज? I'm so happy. आदि कल बहुत पीसफुली सोया, पता है? Such a good boy. परमजी, मम्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। Good morning everyone. Morning. इश्मा कहाँ है? अभी तक आई नहीं? नहीं, अका तो नहीं आई। पर इश्मा तो सबसे पहले उठ जाती है घर में। जिंदा होगी तो ना उठेगी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, चलो तुम बैठो, आ जाएंगी वो। क्या होगी तुम? मम्मी जी, आप ठीक हो? दादी, मम्मी जी, आप ठीक हो? आप बैठ जाओ प्लीज। आओ, क्या हो गया? तो तेरी माँ की ना तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, कल रात को भी आप जब कमरे में आए थे थोड़े से अजीब बिहेव कर रहे थे। आपको बुखार वुखार तो नहीं? तबीयत तो ठीक है? दो दिन से ना ठीक से खा रही है ना सो रही है, रात भर करोटे बदलती रही है बिस्तर पर। माँ, मैं डॉक्टर को बुला लूँ? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को बुला देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, चल नाश्ता बना। मेगा, ये संभाल के, पैर संभाल के, नीलू चाय देते मुझे। इश्मा है कहाँ पे? अरे आ जाएगी इश्मा यार, आज उसकी डेंटल क्लिनिक देर से खुलने वाली, शी इज स्लीपिंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पीहू, रेडी क्यों नहीं हुई हो? आज तुम्हारा इंडियन रूरल कैंप है ना, वहाँ जाना नहीं है? नहीं, मुझे कैंप पर नहीं जाना, मुझे आज पूरे दिन घर पर रहकर आदि के साथ खेलना है। पीहू, आदि बेबी के साथ तो आप खेल लेना, लेकिन वो तो अभी सो रहा है। एक काम करो, वैसे भी ये वन डे कैंप है ना, तो वापस आ जाना, फिर ढेर सारा खेलना है, ठीक है? चलो जाओ फटाफट दंदा जाके रेडी हो जाओ। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन है? मुझे कोई कैंप तक ड्रॉप करेगा, मैं स्कूल बस से नहीं जाऊंगी। तो आपके पापा ने कभी मना किया है? पापा जरूर आएंगे आपको ड्रॉप करने, साथ में इशिमा को भी ले चलते हैं। रोहित, तू को रेडी कर। ठीक है। अच्छा, मैं आदि को चेक करके आती हूँ। आलिया, तुम जरा ब्रेकफास्ट देख लो। चलो। हाँ हाँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ ना मैं। अभी भी चांस है, बुला दो डॉक्टर को। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। पक्का? तू चिंता ना कर पुत्र, जा। ये इश्ता के मरने की खबर कब तक मिलने वाली है सबको? मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे आप कब उठे? आप उठ गई हो? किसी को पता भी नहीं चला और आप उठ भी गए। चिति, ये देखो, हम तो उठ के भी बैठ गए हैं और हमने किसी को नहीं बुलाया। सुनो। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, इसे हॉल में लेके चलें सबके पास। हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, उसका डायपर चेंज करती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जी, नीनी पूरी हो गई हमारी, हम तो गुड बॉय है, नीनी पूरी कर ली हमने। अरे अरे अरे,
आज तो वाकई अच्छे मूड में लग रहे हैं। सबको पहचानने लग गया अभी। इसे मुस्कुराता हुआ देख के तो मेरे को खुशी हो रही है बहुत। कल तो रो रो के इसने हालत खराब कर दी थी। अरे इसी तरह बड़ी अपसेट हो गई। इनफैक्ट इसे आज ऐसे हंसता हुआ देख के खुश हो जाएगी। पापा मुझे कैंप के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी। मैं इश्मा से कह दूं वो ले आएंगी मार्केट से। आपके इश्मा उठे तो कहूँ ना, आपकी लिस्ट रेडी है? एक मिनट पुत्र। पेहू पुत्र, इश्मा सो रही है, उसको सो ही रहने देना है। तू जाके ना क्षितिजा से ले आ, वो पिछले साल कैंप में गई थी ना, तो वो जा बेटा जा ले आ। हाँ दादी। अरे नीलू तेरी भाभी को उठा दे वरना शाम तक सोती रहेगी वो। जी भैया, देखो दादू अभी ला दो। भैया भाभी उठ ही नहीं रही है, मैंने बहुत बार जगाया उनको, नहीं उठ रही है भाभी। क्या आप प्लीज जल्दी आ जाइए, आ जाइए। इश्ता बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसको। पुत्र ठीक हो जाएगी, बेहोश होगी, सही हो जाएगी, हो जाएगा। तुसी जल्दी आओ, जल्दी देखो इश्ता को क्या हो गया, क्या हो गया। शांत हो जाइए। इशू
क्या हुआ? क्या होता शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? एक्टिंग कर रही हो? परम जी, अपने मम्मा को देखा, मुझे मम्मा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। उन्होंने पता है इतना ज्यादा टेंशन ले लिया है कि उनकी तबीयत पे आ सकता है, और मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। मेरी माँ है, कोई मर्डर नहीं है, और अगर पुलिस को पता चल गया तो उन्हें जेल। बेवकूफों वाली बातें मत करो। इश्ता नाम के कांटे को हमें हमारे रास्ते से हटाना था, हमने हटा दिया। मम्मी जी का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। अभी ये इमोशनल बातें करके ना पैन को बिगाड़ो मत। पर वो मेरी माँ है, उनकी उम्र देखो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं। अब तुम्हें अपनी माँ की भी चिंता होने लगे, जिन्होंने तुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं समझा, हमेशा तेरी बेइज्जती की है। सिमी, हमें हमारी अनन्या की मौत का बदला लेना था, हमने ले लिया। इशिता को उसके किए की सजा मिलनी थी, मिल गई, जैसे को तैसा। हाँ, चल के उसकी मिट्टी पे दो आंसू बहाओ, दैट्स इट। उससे ज़रा हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं सिमी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।